हेलो हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, देखो ये हमारा पानी पूरी गोलगप्पा पुचका, क्या ये देखने में कैसा लग रहा है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं गोलगप्पा बनाना, तो मैं आप लोगों को जो तरीका बताने जा रहा हूँ ना, बिल्कुल मेरे जैसा रोड जैसा एकदम जबरदस्त क्रिस्पी करंची अगर बनाने का सोच भी रहे तो बहुत जबरदस्त ये वीडियो होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के शानदार वीडियो में। जो मैं तरीका आज बताया हूँ, ये तरीके से कसम से बहुत जबरदस्त एकदम फुली फुली करारी करारी ही बनेगी। मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ कसम से बहुत एकदम अलग और बहुत हटके है ये वीडियो। देखो ये हमारा तरीका है, ऐसा अगर आप लोग भी सोच रहे हैं तो ऐसा ही बनेगा। देखो एकदम जबरदस्त, कसम से बता रहा हूँ। सिर्फ एक बार आपको सिर्फ ध्यान से देखना है ये वीडियो, सिर्फ एक बार ध्यान से देखो, उसके बाद बनाओ, बिल्कुल मेरे जैसा ही बनेगा। जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ सिर्फ वही तरीके से बनाओ। चलो मैं शुरू करता हूँ। अब ये आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारा सूजी, ये हमारा पूरा सूजी है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे, ये आ गया बेसन, ये हमारा बेसन, बेसन डालने के बाद अब डालेंगे इसमें गेहूं का आटा। ये देखो ये है गेहूं का आटा, ये गया एक पैकेट गेहूं का आटा। उसके बाद अब इसको एकदम बढ़िया एकदम अच्छे से मिला लेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से। ये आ गया हमारा, देखो ये खाने का सोडा, ये डालेंगे। उसके बाद डालने के बाद बिल्कुल एकदम अच्छे से मिला लेंगे। और ये जो है पूरा, ये हमारा 5 किलो सूजी है, 1 किलो गेहूं का आटा है और 200 ग्राम बेसन है और 25 ग्राम खाने का सोडा है। उसके बाद ये हिसाब से देखो एकदम अच्छे से मिला लेंगे बढ़िया से, ताकि एकदम बढ़िया मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसका आटा लगाएंगे, देखो एकदम नॉर्मल पानी से। अब ये हिसाब से देखो, हम पहले एकदम अच्छा बढ़िया मिक्स कर लेंगे ताकि पूरा एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर हम इसका आटा लगाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, देखो ये हमारा हो गया पूरा अच्छे से मिक्स, पूरा बढ़िया से। उसके बाद अब ये लेंगे अपना, ये आ गया नॉर्मल एकदम पानी, ये ठंडा नहीं गर्म नहीं, इसको कुछ नहीं समझो, सिर्फ नॉर्मल पानी है पूरा ये। उसके बाद ये हिसाब से देखो इसका आटा लगा लेंगे हम अच्छे से एकदम बढ़िया से। ये देखो ये हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एकदम अच्छे से एकदम बढ़िया पहले सब मिला लेंगे। उसके बाद इसको हम अच्छे से मेहनत से मसलेंगे, मसलने के बाद ही फिर इसके अंदर पानी डालेंगे। देखो ये हिसाब से पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सब मिला लेना है। उसके बाद ज़्यादा पानी तो बिल्कुल नहीं डालना, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको ये हिसाब से मिला के पहले मसल के खूब अच्छे से देखो, उसके बाद लगे तो डालो और ना लगे तो मत डालो। ये हिसाब से ही मसलो। देखो अब ये हिसाब से मसलने के बाद उसके बाद फिर हम मिलाएंगे इसके अंदर थोड़ा पानी, लगा तो नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं। अब ये हिसाब से हम पहले इसको जो ऊपर का है मिक्स है इसको हम पहले हटा देंगे थोड़ा साइड में। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो बचा है इसमें भी ये हिसाब से लगा लेंगे। ये नहीं कि ऊपर से पानी डाल दो उसके बाद पूरा आटा लगा लो, ऐसा नहीं डालने का है, थोड़ा थोड़ा लगे उतना ही डालने का है। क्योंकि ये सूजी है, ये पहले नहीं पता चलेगा लेकिन बाद में पूरा एकदम नरम हो जाएगा। इससे अच्छा कभी भी थोड़ा थोड़ा ही डालें। उसके बाद ये हिसाब से पूरा मिला के उसके बाद मसल के देखो, ऑटोमेटिक एकदम अच्छा पता चल जाएगा कि मतलब हाँ इसमें पानी ज़्यादा है या कम है। ये हिसाब से देखो अब ऐसा थोड़ा पानी डालने के बाद अब इसको पूरा एकदम बढ़िया से जब मसलेंगे एक बार तो पता चल जाएगा नरम है कि टाइट है। अब देखो ये हिसाब से अब इसको मसल के एकदम बढ़िया से ऐसा थोड़ा थोड़ा अब जितना लगा उतना ही पानी डालने का है। देखो थोड़ा थोड़ा ऐसा पानी मिला के और मसलते और देखते जाना है कम ज़्यादा। अभी इसमें अगर ज़्यादा थोड़ा भी ज़्यादा पानी हो गया तो पूरा एकदम नरम एकदम बहुत बेकार हो जाएगा। इसलिए कभी भी एक साथ पानी बिल्कुल ना डाले इसके अंदर, ये नहीं पहले कैसा बहुत टाइट लगेगा और थोड़ा देर रखने के बाद एकदम पूरा एकदम नरम हो जाएगा। इससे अच्छा आप लोग कभी भी
इसको बिल्कुल एकदम टाइट रखे, उसके बाद ही लगे तो पानी डालो, नहीं तो मत डालो। देखो ये देखो, ये हमारा पूरा हो गया रेडी एकदम। अब इसको हम भर के रखेंगे कैरी बैग पॉलीथीन के अंदर और इसको छोड़ देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर वापस निकाल के मसल के फिर बनाएंगे इसका पेड़ा। देखो अब इसको हम भर के रख देंगे, ये आ गया पॉलीथीन। अब इसमें हम इसको भर के छोड़ देंगे ये हिसाब से, एकदम अच्छे से लपेट देंगे ताकि हवा बिल्कुल भी ना लगे। उसके बाद अब निकालेंगे इसको 20 मिनट के बाद। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी है नरम टाइट वो सब एकदम एकदम बढ़िया एकदम मिक्स के जैसा एकदम लगेगा कि एकदम मिक्स हो गया, एकदम सेट हो जाएगा आटा, इसलिए हम इसको भर के रखते हैं ऐसा। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा 20 मिनट होने के बाद अब इसको हम निकाल के अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से मसल लेंगे। ये अब देखो ये इसको हम पहले पूरा निकाल लेंगे बाहर। ये रखने से फ़ायदा ये होगा, आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा दूँ आज। देखो ये कितना बढ़िया एकदम सेट हो गया। अब इसको सिर्फ ऐसा थोड़ा भी मसले तो एकदम बढ़िया एकदम साफ हो जाएगा जल्दी से आटा। देखो ये हिसाब से अब इसको हम बिल्कुल एकदम मेहनत से फटाफट एक डेढ़ मिनट इधर से और एक डेढ़ मिनट पलट के ये हिसाब से मसल लेंगे, बिल्कुल एकदम अच्छा साफ हो जाए आटा। ये है असली तरीका पानी पूरी गोलगप्पा। अगर ये हिसाब से आप लोग बनाएंगे इसका तो एकदम परफेक्ट ही बनेगा। लेकिन आप लोग कभी भी ऐसा बनाए ताकि एकदम अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास बने। देखो अब ये हिसाब से एकदम बढ़िया से मसल लेंगे दोनों तरफ से पलट पलट के। अब देखो एक तरफ से मसलने के बाद अब इसको हम पलट लेंगे इधर से भी, ये ऐसा एक से डेढ़ मिनट इधर से भी मसल लेंगे। देखो ये हिसाब से अब इधर से भी मसल लेंगे बिल्कुल अच्छे से ताकि इधर भी अच्छा साफ हो जाए। इधर देखो ये हिसाब से ताकि जब एकदम अच्छा साफ हो जाएगा तो इसका जब हम पेड़ा बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम बढ़िया गोल गोल ही बनेगा। अगर साफ नहीं होगा तो ऐसा लगेगा जैसा वो रवा। कभी भी आप लोग सूजी का अगर दिमाग में सोचो तो ऐसा लगेगा अरे आटा कैसे बनेगा। तो उसका रीजन यही है कि जब आटा एकदम अच्छा लगाने में गलती हुआ और उसके बाद मसलने में गलती हुआ तो उसका कभी भी पेड़ा गोली खराब हो जाएगा, ऐसा फूट जाएगा। तो इससे अच्छा कभी भी एक बढ़िया से लगाओ। देखो आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि मतलब ये रवा है, ये आप लोग देख सकते हैं ये लग रहा है कि रवा है किधर से भी। इससे अच्छा कभी भी आप लोग जब अच्छे से लगाएंगे ना तो एकदम अच्छा ही लगेगा। ये है इसका असली राज। और जब ये हिसाब से लगाएंगे तो अब इसको हम मसल लेंगे, मसलने के बाद फिर इसको हम काटेंगे फिर लगाएंगे इसका लाट। अब देखो अब इसको हम काट लेंगे, काटने के बाद अब इसका लाट लगा लेंगे हाथों हाथ फटाफट। ये देखो काटने के बाद अभी आ गया हमारा। अब ये हिसाब से देखो अब इसका लाट लगा लेंगे। ये देखो ये है असली राज। अगर आप लोग सोचते हैं कि गोलगप्पे वाले बनाते कैसा हैं तो आपको सिर्फ बस यही काम करना है, जबकि तरीका तो मैं आप लोगों को हर चीज़ बता रहा है, हर चीज़ आप लोगों को कि हर चीज़ बताने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल एकदम आसानी से घर बैठे बनाओ ताकि एकदम बढ़िया दुकान रोड जैसा दुकान जैसा बने। ये है असली तरीका। देखो अब कभी भी आप लोग जो आटा लगाओ या गोलगप्पा बनाओ आटे का चाहे सूजी का तो ये हिसाब से बनाओ। देखो ये असली राज, ये हिसाब से बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम जबरदस्त परफेक्ट ही बनेगा। देखो अब ये काटने के बाद देखो अब ऐसा निकाल के ऐसे जमा लेंगे इसमें, यहाँ से निकाल के बनाएंगे इसका पेड़ा। देखो इधर का हो गया, अब इधर का भी काट लेंगे ऐसा, और काटने के बाद ऐसा पॉलीथीन में भर के रख देंगे ताकि
ये सूखे ना। सबसे खास बात इसका यह है कि अगर ये सूख गया तो पूरा खराब हो जाएगा। उससे अच्छा कभी भी इसको ऐसा पॉलीथीन के अंदर ही भर के रखें ताकि एकदम अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास ऐसा जैसा है वैसा पड़े रहे, नहीं तो अगर सूख गया तो खराब हो जाएगा। चलो मैं आप लोगों को अब पेड़ा बना के दिखाता हूँ हम लोग पेड़ा बनाते कैसा है। ये देखो ये है हमारा पेड़ा बनाने का तरीका, पेड़ा हमारा कैसा बन रहा है। कभी भी ये हिसाब से अगर जब बनाएंगे तो आपका बिल्कुल मेरे जैसा, अगर आप लोग रोड जैसा सोच रहे होंगे कि रोड पे बनता कैसा है, रोड वाले बनाते कैसे हैं, तो ये तरीका है एकदम बिल्कुल एकदम परफेक्ट। अगर आप लोग ये वीडियो शुरू सिर्फ एक बार शुरू से आखिरी तक देख लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि ये बनता कैसा है और बनाना कैसा है, बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा। देखो अब ये हिसाब से ये पेड़े बनाने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा सा यही गेहूं का सूखा आटा यही मिलाना है। देखो दूसरा कुछ नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर दूसरा कुछ मिलाते हैं तो कुछ भी नहीं, ये है गेहूं का आटा। और ये जो सामने ये देखो ये भी गेहूं का आटा ही है, लेकिन ये पैकेट ये बड़ा 5 किलो का आता है और ये 1 किलो का है। देखो अब ये थोड़ा संभालने के बाद इसको मिला लेंगे ये हिसाब से मिलाने के बाद वापस से पॉलीथीन में निकाल लेंगे बेलने के लिए। देखो अब ये हो गया मिलाने के बाद एकदम बेलने के लिए रेडी। अब उसके बाद ये आ गया वहाँ से और यहाँ अब बेलने का बारी। देखो ये देखो सबसे पहले यहाँ कच्चा कपड़ा है, उसके बाद ये इसके ऊपर बिछाए सूखा कपड़ा, उसके बाद इसके ऊपर बेल के अब रखेंगे। ये है असली तरीका एकदम फर्स्ट क्लास। ये हिसाब से अगर बेलेंगे तो आपका कभी भी आप लोग ये हिसाब से करो ताकि एकदम अच्छा और बढ़िया फर्स्ट क्लास बने। देखो ये है बेलने का तरीका, हमारा रखने का तरीका, ये है असली राज। अगर आप लोग सोच रहे हैं कुछ जादू है तो जादू दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग का जादू है और अपना। और कभी भी ये सोचे कोई एक दिन में बना ले एकदम परफेक्ट, तो एक दिन में भी नहीं बनेगा, 2-4-10 दिन तो मेहनत करना पड़ेगा इसके पीछे कि एकदम जब तक अच्छा समझ में नहीं आएगा हर चीज़, जब तक कभी नहीं बनेगा, चाहे लाख कोशिश कर लो। एक बार जब दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से उसके बाद ही अच्छा बनेगा। देखो अभी इधर बेलना चालू है, इधर हम लोग अभी पेड़े बना रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बेलने के बाद दिखाता हूँ हमारा कितना सारा हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं, देखो ये हमारा पूरा पानी पूरी बेल के हो गया एकदम रेडी। देखो इसके ऊपर हम ढक देंगे पहले ये यही सूखा कपड़ा। देखो ये हिसाब से हम पहले इसको ढक देंगे और इसके ऊपर ये थोड़ा सा जैसे नीचे पहले लगाया था कच्चा कपड़ा गीला कपड़ा, अब यही कच्चा कपड़ा गीला कपड़ा ये ऊपर से लगा दूंगा ऐसा, ये हिसाब से। देखो अब ये हो गया। देखो अभी हमारी परत कितना है आप लोग खुद सोच सकते हैं, हमारा पूरा मिला के 2500 पूरी बन के रेडी होगा। ये है हमारा तरीका, अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं तो कभी भी बनाओ बिल्कुल एकदम बढ़िया से, देखो उसके बाद बनाओ। देखो ये हमारा तरीका रखने का और ढक के रखने का, दोनों भी बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें जब मैं फ्राई करूंगा कि बनता कैसा है, वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अच्छा बन रहा है खराब बन रहा है कमेंट में ज़रूर बता देना। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा पानी पूरी जो फ्राई हो रहा है। अगर आप लोग बाज़ार में पूछ पूछ के थक गए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। पानी पूरी का पानी कैसे बनता है, पानी पूरी कैसे बनता है, गोलगप्पा कैसे बनता है, कोई अगर नहीं बता रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एकदम समझो जड़ी बूटी से ज़्यादा काम करेगा ये वीडियो। ये देखो ये है एकदम असली तरीका। अगर देखो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया फ्राई हो रहा है, बिल्कुल आसान तरीका है ये। इसमें जो मैं बताया हूँ बहुत बहुत जो भी है एक एक बारीकी को मैं बताया हूँ, अगर इस चीज़ का अगर ध्यान दे दिए कि कब कब और क्या क्या करना है तो बहुत एकदम फर्स्ट क्लास बनेगा। देखो ये है असली तरीका गोलगप्पा पानी पूरी पुचका पानी पतासा बनाने का। अगर आप लोग सोच रहे घर बैठे सीखना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो ये मैं आप लोगों को एकदम नज़दीक से दिखा देता हूँ कैसा फूल रहा है एकदम बढ़िया, एक भी पपड़ी नहीं बन रही। देखो ये है ज़बरदस्त तरीका, अगर ये हिसाब से बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम बढ़िया फुली फुली करारी करारी क्रिस्पी करंची ही बनेगा। देखो ये आवाज़ सुनो इसका पहले, ये क्रिस्पी करंची देखो
ये है बिल्कुल आसान तरीका, एकदम ज़बरदस्त। देखो इधर से उधर डालो और इधर देखो कैसा बढ़िया फूली फूली करारी क्रिस्पी करंची, बिल्कुल ज़बरदस्त होगा ये वीडियो। सिर्फ आप लोग एक बार देखो, उसके बाद बनाओ बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास रोड जैसा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें। मेरा फेसबुक पेज है अभिषेक पानीपुरी रेसिपी वीडियो। नमस्कार।